और ये रंग भी राधे। जीजा क्या चाहती हैं आप? अब तक यही है, तैयार भी नहीं हुई आप? अरे बस सज्जा बेना, थोड़ा समय और दे दीजिए हमें। हम इन्हें आज रात के भोजन में जो मिठाई बनवा रहे हैं उसकी विधि बता दे जरा। पर इस समय हमें आपकी एक नहीं सुननी, आप इसी समय हमारे साथ चलिए तैयार होने। अरे समय निकलता जा रहा है, राणा जी कभी भी आ जाएंगे। जीजा महारानी साहब, यहाँ की सारी भोजन व्यवस्था हो जाएगी। सुन लिया, सारी भोजन व्यवस्था हो जाएगी, हो जाएगी। अब आप हमारे साथ चलिए। आप भी ना सज्जा बिना, चलिए चलिए। किंतु अभी बहुत काम पड़ा था सज्जा बिना वहां पर। जीजा कम से कम आज के दिन तो आप व्यर्थ के कामों को भूल जाइए। देखना आज स्वयं हम अपने हाथों से आपका श्रृंगार करेंगे, आपके केश का विन्यास करेंगे। देखना जीजा, हम आपको इतना सुंदर सजाएंगे कि आप अपने विवाह वाली रात से भी ज्यादा सुंदर दिखेंगे। पागल हो गई हैं आप सज्जा बिना? हाँ हाँ, तभी तो आपका ये मुख इतना लाल क्यों हो गया है। लाज और शर्म के मारे अपने ही कक्ष की ओर जा रही है वीरानी साहब। करके बिच्छू महारानी जयवंताबाई जी पे ही चढ़ा। रानी सा काम हो गया, अब तो हमें बस महारानी सा के चीख की प्रतीक्षा है। भूली मत दादा भाई, हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़। और यहाँ आप मात्र हमारे मांग रक्षक हैं। हुकुम, चूड़ियों के दुकान में जो आपसे उलझ रहा था कौन था वो, उसका पता लग गया है। कौन है वो? वाह वाह, दिल खुश कर दिया आपने। आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें इतना ही मजा आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती करने में। आप दोनों बहुत आगे तक जाने वाले हैं, और क्या आप नहीं चाहते अपने मैत्री की कोई जीवंत स्मृति अपने साथ ले जाना, और बड़े होने पर मेरे बनाए अपने इस चित्र को देखकर अपने इस समय को जीवित कर पाएंगे। अंबागणी बाबूजी राज, पता चला उस चित्रकार का? जी बाबूजी राज, पर वो तो कह रहे थे कि आपका चित्र उन्होंने आपके मित्र को दे दिया है। चलिए ये तो अच्छा ही हुआ, कम से कम हमारा चित्र तो है हमारे मित्र के पास। तो हम आसाए कि अपने इस मित्र को खोजने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। यह भी विधि की कैसी विडंबना है बाबूजी राज की, जो मित्र अभी कुछ समय पहले तक अपने खेमे में था वो पता नहीं ब्रह्मांड के किस कोने में है। खेमा, हम अभी उनके खेमे में जाकर देखते हैं। भली बात है, क्या पता हमें कोई सूत्र ही मिल जाए उनके बारे में। वहां राजपुरोहित जी, हमें यह सुझाने के लिए धन्यवाद।
ये भी नहीं। ये ठीक है। उत्तम चाहिए। अब पूरा हुआ ना आपका श्रृंगार? अच्छा जाओ, पार्वती से कहो कि मोगरे के खिले खिले फूल ले आए। जी रानी साहब। जीजा, हम आपके लिए केवड़ी का इत्र लेकर आते हैं। लगता है यात्राएं तो बहुत की हमारे मित्र ने। सच्चा बेना, आप क्यों इतना दुख मना रही हैं? हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने हमें, रक्षा की है हमारी। हम जानते हैं जीजा, पर दुख तो हमें इस बात का है कि जो रात आपके जीवन की सबसे सुखदायी रात बनने वाली थी, वही रात हमारे कारण आपके लिए इतनी पीड़ादायक बन गई। ऐसा मत कहिए, छोटी सी चोट है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगी। इसे आप साधारण सी चोट कहती हैं जीजा। रानी सा, मैं आपके लिए मोगरे के फूलों का गजरा लाई हूँ, आपके बालों में लगा दूँ? पागल हो गई हैं आप, देख नहीं सकती हैं जीजा को चोट लग गई है, फिर भी आपको गजरे गजरे की पड़ी हुई है। क्षमा करें रानी सा। जाइए, राणा जी को संदेशा पहुँचा दीजिए कि जीजा को मोच आ गई। जाइए अब। रुक जाओ, कुछ नहीं करोगी तुम ऐसा। लाओ, वो गजर हमें दे दो। तुम जाओ। जी जी, आप सब भी जाओ। सच्चा बहन, पत्नी तो आप भी है राणा जी की, इसे पहन लीजिए। ये क्या है जीजा? तुम तो वही हो ना जो हमें चूड़ियों की दुकान पर मिले थे? हाँ, तूने हमारी आंखों में, मतलब आंख में धूल झोंकी थी, हम उसी का बदला लेने आए हैं, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। चुपचाप चले जाइए अपने खेमे में, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। लड़ना तो तुझे पड़ेगा ही, उन लड़कों के सामने तूने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और अब कह रहे हैं कि चुपचाप यहां से चले जाओ, तुझे लड़ना ही होगा। हम अभी भी तुमसे कह रहे हैं चले जाओ यहां से। नहीं, लड़ना तो तुझे होगा ही, हमें भी उन लड़कियों को बताना है कि हम में कितना दम है सर उठा के। देखा, हमारे सर उठाने का परिणाम,
दिखाओ अपना हुनर, सर उठा के। हमने कहा चले जाओ, सर झुका के। सर जाबिना, क्या आप हमें ये कहना चाहती हैं कि आपके मन में राणा जी के साथ निकटता की कभी इच्छा नहीं हुई? अपने विवाह के आरंभिक वर्षों में आपने राणा जी के लिए जो सोचा था, जो चाहा था, जो पाया था, वैसे दोबारा कभी नहीं सोचा? चीचा, हम जानते हैं सच्चा बेना, आपने सदा अपनी इच्छाओं को दबाया है, ऊपर से हंसती रही है, किंतु भीतर ही भीतर बार बार उमड़ने वाले इस पीड़ा को, इसको हम सबसे छुपाया है। अपने पत्नी होने के अधिकार को लेकर आपने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, क्यों? ताकि हमें ये सुख मिलता रहे। हम जानते हैं सच्चा भी, आप बहुत भोली हैं, हंसते हंसते त्याग करना भी जानती हैं, किंतु हम इतना भी नहीं देख सकते कि आप राणा जी से मन ही मन कितना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम जितना हम करते हैं। क्या पता शायद हमसे भी कहीं अधिक। आइए आज हम आपका श्रृंगार करते हैं। नहीं जी, क्या ये व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है बाबूजी राजप्रताप? ऐसा कुछ नहीं हरि सिंह जी, हम ठीक है, आप जाइए। तुम कुंवर प्रताप हो? हाँ। तभी तुम्हें देखते ही हमारे अंदर घृण का ज्वालामुखी फट पड़ा। जालम सिंह है हम, मारवाड़ राजघराने के जालम सिंह। मारवाड़ और मेवाड़ में तो शत्रुता अनंत काल से चली आ रही है। यदि आज हम तुम्हें मार देते तो मारवाड़ के इतिहास में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, सर उठा के। वो सब तो ठीक है, पर क्या आपको सचमुच ये लगता है कि आप हमें पराजित कर पाएंगे? इसीलिए उचित यही होगा कि आप लौट जाएं यहां से और इस बात को यही भूल जाएं, सीमाओं के भार हम दोनों के लिए अधिक शक्तिशाली शत्रु राजपुताने के लिए चुनौती बने खड़े। यदि आपको अपनी वीरता दिखाने का मन में इतना ही हट है, तो हमारे सामने नहीं, भारी शत्रुओं के सामने जाकर दिखाइए अपनी वीरता। चाहिए। लेकिन हम लड़कियों से क्या कहेंगे कि हम पीठ दिखाकर आ गए, कुछ नहीं कर पाए, सर उठा के। बताइएगा ये मत उन्हें इस घटना के बारे में। लेकिन तुम्हारी हमारी जमेगी नहीं, और आज की रात का बदला हम लेकर आएंगे। हम एक लिंग जी से प्रार्थना करेंगे कि वो दिन कभी ना आए। शुभ रात्रि। बात है हुजूर, रुक क्यों गए? हमारा शाही निशान, हम उसे खेमे पर ही भुलाए हैं। गुस्ता की माफ जहां बना, लेकिन अब हमें वहां लौट कर नहीं चलना चाहिए, वहां बहुत खतरा है। जी हुजूर, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि छूटी हुई वस्तुओं पर किसी का ध्यान केंद्रित होगा। Thank you.
परेशान हो रहे हैं और आप, आपको वो कुछ चिंता ही नहीं हो रही हमारे लिए? अच्छा बताइए, वो लड़का आपको अभी तक परेशान कर रहा है? और नहीं तो क्या, कितना घमंडी है वो। वस्त्र तो बिल्कुल कर्मचारियों वाले, पर घमंड बिल्कुल राजघरानों वाला था उसका। कितनी विचित्र बात है, जिसको हमने देखा था वह ठीक इसका उल्टा था। था राजघराने का किंतु एकदम विनम्र, पूरा व्यक्तित्व सादगी से भरा हुआ। हम तो अभी भी यही कहेंगे अजबी, जो राजघराने से नहीं है ना उसको अपनी सीमा में ही रहना चाहिए। लेकिन जिसको हमने देखा था वे राजघरानों में और साधारण लोगों में कोई अंतर ही नहीं रखता था। अजब दे, आप जैसे सोच वाले इंसान ना यही दुष्ट लोगों को बढ़ावा देते हैं। अरे साहस तो देखो उसका, हमसे दुष्टी का साहस, उसने हमारे हाथों से चूड़ियां छीनी, हमारे हाथों से अजब दे। अजब दे, यहाँ पे हम अपनी चूड़ी का रोना धो रहे हैं और आप अपने ग्रंथ में मगन है। पर फूल, उसे क्या पता था कि आप राजकुमारी हैं मारवाड़ की? जाने दीजिए इन बातों को। ये देखिए कि आप जितनी सुंदर लड़की से भला कोई भी लड़का क्यों लचना चाहेगा? ऐसे में यदि वो आप जैसी सुंदरी से अपनी माँ के लिए लड़ पड़ता है तो आपको इसमें धृष्ट चरित्र नहीं दिख रहा? इससे पता लगता है कि वो कितना गंवार है। आप भी तो किसी लड़के के बारे में बता रही थी ना, जो है तो राजघराने से और उसका व्यवहार बिल्कुल साधारण लोगों जैसा है। कौन है वो, आप जानती हैं उसे? हाँ हाँ जानती क्यों नहीं, वो कुंवर प्रताप थे। क्या कुंवर प्रताप, आपने इनको देखा? वो बीमार के राजकुमार कुंवर प्रताप? हाँ बाबा हाँ, पर नदी के पास वाला खेमा है ना, वहाँ पे रुके हुए हैं। सच्ची सच्ची, कितनी बातें सुनी हमने कुंवर प्रताप के बारे में, हम उनकी एक झलक देख के आते हैं। जरा हम भी तो देखें कैसे दिखते हैं वो। फूल रुकिए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और राणा जी को तो पता ही नहीं है कि हम तो क्या हुआ। कभी कभी संबंधों में कई तार इतने ढीले और अर्थहीन बन जाते हैं कि उन्हें चौंका कर ही फिर से जीवंत बनाया जा सकता है। परंतु जीजा, राणा जी के सामने जाते हमारे पाँव तो थर थर कांपने लगते हैं। सच्चा बिना थर थर आने के लिए पाँव नहीं मन के तार होते हैं, और जब पाँव कांपे तो अपने मंगलसूत्र को अपने मुट्ठी में कसकर दबा लेना। बहुत शक्ति होती है हमारे मंगलसूत्र में, वो तो हम ही इसका उपयोग मात्र आभूषण के रूप में कर करके इसका महत्व घटा देते हैं। अन्यथा मंगलसूत्र हमें शक्ति और साहस देता है और पत्नी होने का मान देता है। यदि जालम सिंह ने हमें देख लिया तो क्या करेंगे हम? अजब दे, अभी दादा भाई जालम और उनके सैनिक सो चुके होंगे, कुछ भी नहीं होगा। चलिए आपने सही कहा, सभी सैनिक सो चुके हैं लेकिन ये जालम सिंह जाग रहा है अभी तक सर उठा के। दादा भाई जाने दीजिए हमें। कहाँ जा रही है इस समय आप दोनों? वो हम देखना चाहते थे कि कुंवर प्रताप दिखते कैसे हैं, वो वहीं ठहरे हैं वहाँ
उस खेमे में। नहीं राजकुमारी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। दादा भाई, आपकी समस्या क्या है? हाँ, ये मत करो, वो मत करो। सोच समझ कर हमारे सामने पग उठाइएगा राजकुमारी जी। झूठ बोलकर, बिना सुरक्षा, चोरी छिपे हाट मेले में जाना एक बात है, किंतु मर्यादा का उल्लंघन कर हमारे शत्रु प्रताप के पास जाना, ये बिल्कुल ही अलग बात हो जाएगी। और सोच लीजिए, यदि ये वाली बात हमने आपके पिताश्री को बता दी तो क्या क्या हो सकता है। सर उठा के, हम मानते हैं कि आप हमें कभी कभार मूर्ख बना सकते हैं, पर हर बार नहीं राजकुमारी जी, नहीं, ऐसी भूल भूल कर भी मत कीजिएगा। सर उठा के डर गई हमसे, सर झुका के। आइए जयंत भाई जी, आज तो आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई, आप वहां क्यों खड़ी हैं? यहां आइए। जयंत भाई जी, आप इस समय यहां पर क्या कर रहे हैं? राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम जानते हैं हमें इस समय यहां नहीं होना चाहिए था। ठहरिए सज्जा भाई जी, इधर देखिए, हमसे किसी ने ये कहने का साहस नहीं दिखाया कि ये मत करो, वो मत करो, पर जानम सिंह, हिम्मत कैसे हुई इनकी हम पे इतना रौब झाड़ने की? बस एक बार हमें मारवाड़ पहुंचने दो अपने घर, फिर तो इनकी चुगली करनी ही पड़ेगी दादो सा से। ठीक है, कर दीजिए का चुगली घर पहुंच के, पर अभी तो आपको उनकी बात माननी ही होगी ना फूल। पता नहीं हमसे ये सब हो भी पाएगा या नहीं। एक बार कुंवर प्रताप को पता चल जाए या उनकी एक झलक देखने के लिए पूरी रात भर नहीं सोए तो फिर तो वो उनके कुप्पे हो जाएंगे ना। ऐसी कोई भी बात नहीं आ जाती, और बस हम तो थोड़े से उत्सुक हो रहे थे और कुछ नहीं। और वैसे भी आप तो जानती हैं ना, हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, और वैसे भी हमारा मारवाड़ अधिक शक्तिशाली उनके मेवाड़ से। क्या है क्या मेवाड़ हमारे सामने? कुछ नहीं। तो फिर आप सो क्यों नहीं जाती हैं? नींद आ रही है ना आपको? सो रहा है ना? नीचे सो रही, सो जाए, सो जाए।
राजपुरोहित जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके आभारी। बस एक काम और कर सके हमारे लिए तो बताइए बाबूजी राज। चित्तौड़ ले जाने के विचार से लाए थे हम ये मीरा माँ के आराध्य देव की मूर्ति। राजपुरोहित जी, हम इस मूर्ति को बिजोले नहीं ले जाना चाहते, आप कृपया सम्मान सहित इस मूर्ति को चित्तौड़ ले जाए और वहां वहां इस मूर्ति को मीरा माँ के मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा दीजिएगा। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है बाजी दाज। धन्यवाद राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, ये माला तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही, इसे पहन ही लीजिए बाबूजी राज, ये रुद्राक्ष की माला है, क्या पता ये शिवजी का आशीर्वाद बनकर आपके साथ रहना चाहती है। जो आ गया राजपुरोहित जी। आ गया दीजिए। जय अग्नि जी। महारानी सा, आप क्या सज्जा रानी सा की प्रतीक्षा कर रही हैं? आप कहें तो हम बुलाकर लाएं? नहीं, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है उनके विश्राम में विघ्न डालने की। इतनी जल्दी उठ गई आप? रात भर अवसर ही नहीं मिला सोने का जीजा। पूजा की तैयारियां हो गई जीजा? हाँ हो गई। सच्चा बेना? हाँ जीजा। कुछ नहीं, हम जल लेकर आते हैं। जीजा, हम दोनों सारी रात बैठे रहे, सारी रात बातें करते रहे, वो बातें जो शायद हम आज से पहले उनके साथ कभी नहीं कर पाए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा मौका मिले। जीजा, हम इतने प्रसन्न हैं कि हम आपको क्या बताएं? कितना खुश था हमारे पास उनको बताने के लिए। आज हमें पता चला हमारे पास इतना कुछ था, अपने बचपन के बारे में, अपने बड़े होने के बारे में, अपनी सखियों के बारे में, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, कुंवर शक्ति के बारे में, विक्रम देव जी के बारे में, इतना कुछ था जीजा। हमने सारी रात बातें करी उनके साथ। क्षमा कर दीजिए सच्चा। क्षमा किस बात के लिए? आज जो हमें मिला उससे ज्यादा तो हम कभी भगवान से मांग भी नहीं सकते थे। भले ही हम बैना दीरबाई उनकी रानियां क्यों ना हो, प्रेम उनके मन में केवल आपके लिए है, उनके हृदय में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। आप इस संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं जीजा। सच सच
सच्चा बेन। भोर को कहाँ चली गई फूल? पूरी रात भर नहीं सोई थी वर प्रताप को देखने के लिए? नहीं नहीं अजब दे, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। आप तुमको कितने अच्छे से जानती हैं अजब दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ जालम सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे और कुछ भी नहीं। और वैसे भी हमें बिचौलिया के लिए निकलना है, चलिए। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जलाल। जलाल जलाल हमारी बात सुनिए जलाल। एक मौका, हम जानते हैं बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, हमें एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। एक मौका दे दो जलाल, हम वादा करते हैं कि तुम्हारे ये खान बाबा इस बार तुम्हें नाउम्मीद नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे कि इस बार हम सिर्फ प्रताप को गिरफ्तार ही नहीं करेंगे बल्कि उसे जान से मार देंगे। इसके मुतालिक सोचेंगे। फिलहाल थक गए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जलाल? बहुत खास तस्वीर। ख्याल रखना इसका। देश कीमती है हमारे। देश कीमती? ऐसा क्या है इस तस्वीर में जो शहंशाह हिंद के लिए बेशकीमती है? देखे तो सही। बहराम खान, लगता है आपकी बाकी की जिंदगी जलाल के आगे पीछे घूमते, मुआफिया मांगते और उनका सामान ढोते गुजर जाएगी। शायद आपने जलाल की बात नहीं सुनी मामा। उन्होंने कहा कि उन्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, सोचने के लिए वक्त, और आपने उनकी बात पे यकीन कर लिया। बेहतर है। जलाल, जलाल, रुक जाइए।
आप लोग यहीं रुककर कुछ देर विश्राम करें। यहाँ से अब हम अपने आप अकेले ही बिजोलिया के राजमहल में जाकर हंसा मासी जी को अचंभे में डालेंगे। पर बाबूजी राज, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिजोलिया की सीमा के भीतर हैं। हम जानते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी चिंता रहती है, परंतु आप सब निश्चिंत रहें। आप कहीं भटक ना जाएं बाबूजी राज। हम जहां भी जाना चाहते हैं वहां का मार्ग ढूंढना हमारे लिए समस्या की बात हो ही नहीं सकती। चलते हैं। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। जलाल रुक जाओ, जलाल जलाल रुक जाओ, जलाल। सबसे पहले तो हमें जलाल कहना बंद कीजिए, और दूसरी बात हमारे हुक्म की तामील करना सीखिए। हमने कहा था ना कि हम इस वक्त बात नहीं करना चाहते। शहंशाह, शहंशाह, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत खफा हैं। आपको बताए बिना हमने राजपुताना के साथ इतनी बड़ी जंग लड़ ली, और पूरी कोशिशों के बावजूद हमारी फौज को प्रताप के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से आप बहुत नाराज हैं हमसे, हम जानते हैं बहुत नाराज। लेकिन हमारा यकीन मानिए शहंशाह, ये प्रताप है ना, ये बच्चा मैदान जंग में बहुत बहुत ताकतवर और शातिर चालाक है। चालाक कितनी सारी जंगें लड़ी है, लेकिन आज तक ऐसा जाबाज जंगजू सिपाही नहीं देखा। प्रताप की कसीदे पढ़ना बंद कीजिए बैराम खान। हुजूर, देखिए हमारी बात सुनिए। प्रताप को मारने के लिए जितना हमारा खून खोल रहा है, उतना किसी और को नहीं खोल सकता। आप एक मौका तो देके देखिए, एक मौका और देखिए। हमने दिया था आपको मौका, पर आपने उसे बड़ी बेशर्मी के साथ जाया कर दिया। और तकलीफ तो हमें इस बात से हो रही है कि अपनी हार के बावजूद भी आप जिंदा वापस लौट आए। अगर इसके जगह हम होते तो उस प्रताप को जान से मार देते, या तो लड़ते लड़ते मर जाते। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने तो हमारी इज्जत से अपनी जिंदगी को ज्यादा कीमत समझा। और इस गलती के लिए हम आपको कभी मुआफ नहीं करेंगे बैराम खान। जलाल वैश, वैश, तुम जानते हो हम कौन है? बैरम खान है हम। जलाल जी, लगता है हमारे सैनिक ठीक ही कह रहे थे। हाँ, महल तो दूर, महल तक जाने का मार्ग भी नहीं दिख रहा। इस सुनसान में पूछे भी तो किससे पूछे। देखो तो, यात्राएं करके कैसे मुरझा गई हमारी फूल सी बच्ची। इनकी तो हम हर दिन नजर उतारेंगे। मासी जी, हम तो सोच रहे हैं कि बड़े दादा से कहलवा कर या बिजोलिया में अपने रहने के लिए एक महल बनवा लें। वो क्या है ना, फिर हमें आपसे और अजब दे से मिलने इतनी लंबी यात्रा करके मारवाड़ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तर, ऐसे थोड़ी ना कहते, ये भी तो आपका ही महल है। बाईसा को हमारे कक्ष में ले जाइए, और हमने जो इनके लिए वस्तु और आभूषण निकाल कर रखी इन्हें दे दी। जी रानी साहब। इन्हें उत्सव के लिए तैयार जो होना। ओह धन्यवाद मासी जी, पर पहले हम राव जी से मिलकर आएंगे, फिर वापस आते हम तैयार हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, जाइए। आपकी नज़र उतारने के लिए थाल लेकर
हम खड़े रहेंगे। ठीक है। अरे आपने सुना नहीं आपकी रानी ने क्या कहा आपसे? भीतर लेके चलिए हमें। जी स्वागत करते ऐसा ही स्वागत हम आपका भी कर पाए जब आप हमारे साथ हमारे बीच में सर उठाकर अपने घर में रह पाए। आप जानती है ना माँ, अगर ऐसा होगा तो दाता को कितना दुख पहुंचेगा। जाकर दाता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद दीजिए। दाता के पास उनके सामने प्रथा है बेटी, अब प्रथा निभाना हमारा धर्म है। आप जाइए और अपना धर्म निभाइए। अगर आप नहीं जाएंगी तो राव जी और अधिक गुस्सा हो जाएंगे। जैसी आप क्या क्या मां। खमागढ़ी महारानी सा, कुंवर प्रताप के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो गई। हम व्यक्तिगत रूप से आकर सारी व्यवस्थाएं देखें। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रताप सिंह, अब इस जंगल से निकलने का ये अंतिम प्रयास। यदि ये वाला मार्ग भी कहीं और निकला तो फिर आज बिजोलिया के राजमहल तक पहुंचने का विचार मन में से निकालना ही पड़ेगा। जय एकलिंग जी। बिजोलिया आ रहे हम। कितनी बार कहा है आपसे, जब हम सुबह की पूजा समाप्त करते तो मत लाया कीजिए इस मनुष्य को हमारे सामने। हमारा सारा दिन बिगाड़ देती है ये। इसकी मनुष्य सूरत देखकर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना नहीं चाहते।
रद्द कर दो आज के राजमार्ग के उद्घाटन का उत्सव। गणी खम्मा सुनिए, वो दाता अपने कक्ष में ही है ना? जी वैसा। धन्यवाद। एक बात कान खोल के सुन लो, आज महाभोज है, हमारी सारी प्रजा आमंत्रित है। जब तक महाभोज चलेगा आप वहां नहीं आएंगे, अपने कक्ष में द्वार बंद करके बैठी रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, समझिए आप? किंतु वे राजकुमारी हैं और रोहित जी ने कहा था कि इनके हाथों भी दान करवाना है। दान ही करवाना चाहती है इनसे तो कह दीजिए नहीं, अपनी ही गाय को कर दे अपना दान। कोख में ही मार डाला अपने भाई को, इसे प्रजा के सामने लाकर अपने राज्य के सौभाग्य की हत्या नहीं करवाना चाहते हम। जाकर दाता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। प्रथा है बेटी, अब प्रथा निभाना हमारा धर्म है। आप चाहिए जाए और अपना धर्म निभाइए। जालम सिंह जी, अंगूर खाइए और बताइए आपके मारवाड़ में अंगूर इतने स्वादिष्ट होते हैं क्या? अरे वाह, अंगूर तो सच में बहुत मीठे हैं। चलिए टोकरे बंधवा दे। टोकरे? हाँ भाई टोकरे। 500 सेर से कम अंगूर आप हमें क्या देंगे उपहार में? वैसे भी हम मारवाड़ के राव मालदेव जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर उठा के, अब इतना सम्मान तो आप करेंगे ही अपने प्रिय मित्र और राजपुताने के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा का। क्या हुआ, बुरा मान गए? आप बुरा मान गए तो भी ठीक है, हंसी ठट्टा बहुत हो गया, अब आप अंगूरों के टोकरे बंधवा ही दीजिए सर उठा के। फुलकुवर, कैसी रही आपकी यात्रा? राजी यात्रा तो रोमांच से भरी हुई थी। क्या हुआ फुलकुवर भाई साहब? आपको तो बहुत ठंड लग गई है। आप इतनी भी सर्दी नहीं लगी है दादा भाई, राई का पहाड़ बनाए बिना आपको चैन नहीं मिलता क्या? बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, आपको गंभीर सर्दी हुई है। कैसे लगी आपको ये सर्दी? हम जानते हो हुकुम ये सब कैसे हुआ? सब अजब देव बाईसा की कृपा है। दादा भाई, अरे आप हम पे क्यों बिगड़ रहे हैं? हुकुम पूछेंगे तो उन्हें सच तो बताना ही होगा, और सच तो यही है कि अजब देव बाईसा ने आपको मार्ग में आते हुए हट करके नदी के ठंडे गंदे पानी में नहाने के लिए विवश किया, उसी सबका तो यह परिणाम है सर्दी।
कभी तो समझदारी से काम किया कीजिए। जानते नहीं आप राजकुमारी फूल कवर कितनी कोमल है? सबको अपनी तरह गवार बनाने पे क्यों तुली हुई है आप? नहीं, वो तो मैं क्या ना ना मामा मा। अब जाइए, इन्हें अपने कक्ष में ले जाइए और सेवा कीजिए इनकी। जाइए। अजब दे भाई साहब, देखा जालिम सिंह सुलोचनी का क्या परिणाम होता है? सर उठा के फूल चलिए कक्षा चलते हैं। बस मित्र बस, अब कुछ दूर तक ही यात्रा करनी है, फिर उसके बाद हम दोनों का विश्राम मिलेगा। क्या हुआ? चलिए ना, हम लगभग पहुंच चुके हैं मित्र। चलिए मित्र, मित्र चलिए। कुछ नहीं जानती है ये आई तो यहाँ पे हमारी सर्दी दूर भगाने को है, पर उल्टा हमारी सर्दी बढ़ती ही जा रही है। जब दे अरे इसमें इन बेचारों को क्या अपराध है? ठंड लगी है आपको और इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। 1 2 3 तीन दिन तो लग जाएंगे सर ठीक होने में। ये देखो पीछे क्या जब दे? 3 दिन? क्या चाहते? अरे अब कैसी है फूल कवर बाई साहब, कुछ लाभ हुआ आपको वैद्य जी की औषधि से? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं इसे काढ़ा पिला दूंगी तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, किंतु हमें लगता है इन्हें जरूर किसी की नजर लगी है। हम आपके लिए तुरंत ही नजर उतारने के लिए थाल तैयार करवाते। मौसी जी सही कह रही हैं, आपको अवश्य किसी की नजर लगी है। भोपली हमारा काजल देना। जी चूड़ी वाले की दुकान पे जो घमंडी लड़का था ना, अवश्य उसी की नजर लगी होगी हमें। ओह धन्यवाद मित्र, धन्यवाद, आप हमें महल तक ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो महल का पिछला भाग दिख रहा है, प्रवेश द्वार तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब कभी भी हम किसी को भी अचंभे में डालने की बात सोचेंगे भी नहीं, कभी नहीं सोचेंगे। हम तो इस समय क्या करें हम? अब देखिए दीवार हमारे सामने है और हम कुंवर प्रताप जो दुरू से दुरू दीवार चढ़ने में निपुण है, हम अब प्रवेश द्वार क्यों खोजें? तो मित्र इस महल में तो हमें कोई जानता ही नहीं, कहीं उन्होंने हमें चोर समझ लिया तो? चलिए ठीक है, हम आपका ही सुझाव मानते हैं, करते हैं दीवार फांद कर ही महल में प्रवेश, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अजब थे, जब आपको इतना सरल तरीका पता था हमारी सर्दी भगाने का, तो फिर आपने हमें डराया क्यों 3 दिन बता के? हमें इस बात का डर था जब आप हमारा कड़ा चखेंगी
तो आपको हमसे घृणा ना हो। इतने भी डरपोक नहीं हम, इतना भी नहीं डरते हम कड़वी औषधियों से। वैसे आपने इसमें डाला क्या क्या है? हमने इसमें हींग, बाड़ा, छोटी काली मिर्च, बड़ी काली मिर्च, सतावर के पत्ते और बस 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 और नहीं जानना हमें। अच्छा जी, वैसे इस औषधि को पीने के बाद हम आपसे घृणा करने लगे, उससे पहले हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए। वो दादा भाई ने राहुल जी के सामने आपके लिए जो कुछ भी कहा ना, उन्हें वैसा नहीं बोलना चाहिए था जब तक। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, हम मारवाड़ पहुंचते ही बड़े दादा से दादा भाई को दंड दिलवाएंगे। अब जाने दीजिए ना। वैसे मारवाड़ से वो आपका अंगरक्षक बनकर आया है और आप उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। नहीं अजबते, वो हमारे पीछे नहीं पड़े हैं, वो आपके पीछे पड़े हैं। वो जानते हैं वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो आपको अपना निशाना बना रहे हैं जबते। अरे नहीं बाबा नहीं, वो जानते हैं कितनी साहसी सैली रहती है हमारे साथ सदा। देखिए जैसे आप लोग हमें समझ रहे हैं, वैसे है नहीं, हम चोर नहीं है, हम बिजोली राज परिवार के अतिथि है। हम धन्यवाद देख लीजिए, हमें किसी ने देखा नहीं। हे एकलिंग जी, आप विश्राम कीजिए, हमें अपनी लक्ष्मी की भी सेवा करनी है। सब रख लिया ना? अच्छा दे, आप मिली अपनी दाता से? हम गए थे उन्हें प्रणाम करने, पर ऐसा कीजिए, आप गलियारों में ना अपनी विशेष रंगोलियां बना दीजिए, बिचौलिया के विशेष अतिथि आने वाले हैं। ने इस नाचिस को याद किया हुजूर? क्या आप उस चेहरे को तस्वीर की शक्ल दे सकते हैं जो हमारे ख्यालों में, हमारे जहन में बसा हो? हम चाहते हैं कि वो हमारे ख्वाबों ख्यालों से निकलकर हमारे सामने एक तस्वीर की शक्ल में आ जाए, ताकि हम हमारे दिलो दिमाग से ये खूबसूरत बोझ उतार सकें, ताकि हम हमारे दूसरे अहम मसलों पर भी गौर फरमा सके। क्या आप कर सकते हैं ये मौजिज़ा? क्यों नहीं हुजूर, जरूर कर सकते हैं। सोच समझ कर हाँ कहिएगा, क्योंकि जैसे हमारे जहन में वो बसी है, उससे आपकी बनाई हुई तस्वीर जरा सी कम तक निकली तो हम आपको पूरी जिंदगी तक किसी तस्वीर बनाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। शहनशाह ने इस नाचिस अहंकार को अपनी खिदमत में याद तलब किया है, ये आपकी जरे नवाजी है हुजूर। हम आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। बंद करो ये लफाजी, हमारी बेसब्री अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, शुरू करो अपना काम फौरन। जी हुजूर।
जानते हैं आप इस नए उपहार को लेके बहुत उत्सुक हैं, पर हमें भी थोड़ा समय दीजिए इसको पहनाने के लिए। इतना भी क्या होता आप पर? आप तो जानती हैं ना, आप ही के शुभ बनाने के लिए हम ये लाए हैं। ओके, हम आपको ये पहनाते हैं। ओहो, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। रुकिए, आपको काला टीका लगा देते हैं। अब बताइए आपको कैसा लगा ये नया पार? अच्छा ठीक है, अपना सर हिला के दिखा दीजिए। लक्ष्मी, आप कितनी गंदी हो गई हैं। कोई बात नहीं, हम आपको नहला देते हैं। फूल, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको ठंड लगी है ना? जाइए कंबल ओढ़िए और विश्राम कीजिए, नहीं तो जयंत सिंह फिर से हमें डांट खिलवाएंगे। अजब दे, हमारी सर्दी बिल्कुल ठीक हो गई है, देखिए। कितनी दुर्गंध है। हमें बनाइए मत, हमें आप पे विश्वास नहीं है। हम ही देखते हैं, ऐसे करिए और अब ऐसे करिए। देखिए अभी तक आपकी ठंड गई नहीं है। नहीं नहीं अजब दे, ये तो इस दुर्गंध की चीख थी। दुर्गंध? फिर हम ही गलत हैं, आप सही। अच्छा चलिए, अब तुम ठीक हो गए ना, और मौसी जी ने जो हमारे लिए उत्सव के वस्त्र बनाए, चलिए उन्हें देख के बताइए कि हम उन्हें पहन के कैसे देखेंगे। चलिए। नहीं, आप पोपली को अपने साथ ले जाइए, हमें बहुत काम है। जैसे? जैसे लक्ष्मी को नहलाना है, जैसे रंगोली बनानी है, और जैसे। अरे अरे अजब दे, आप ही ना, आप उसे गाय के लिए अपनी सहेली को। नहीं फूल, लक्ष्मी हमारे लिए केवल गाय ही नहीं है, वो तो हमारे सुख दुख के साथी है। फूल, आपको नहीं पता गाय परम शक्ति का दूसरा रूप होती है, आपने काम देने का नाम नहीं सुना क्या? ओहो, हमें क्षमा कर दे अजब दे। गौ माता, आप ही हमें क्षमा कर दे। तो फिर चलिए, अब तय हो क्या, लक्ष्मी माता को आप बनाएंगी और रंगोली हम बनाएंगे। क्या, रंगोली आप बनाएंगी? आपने आज से पहले कभी रंगोली बनाई भी है? हम राजकुमारी फूल कवर हैं। एक बार जो मन में ठान लेते हैं ना, वो करके ही छोड़ते हैं। हमें क्षमा कीजिए राजकुमारी, हमसे गलती हो गई। जैसे आपकी इच्छा, आप ऐसे करिए। चलिए, आपको हमने क्षमा किया जब दे, अब हम चलते हैं। जाके चूड़िया ले। अब भला चालम सिंह हमें थोड़ी ना जाने देता। और आपको तो पता ही है, एक बार फूल किसी चीज की हाथ पकड़ लेना तो उसे कोई समझा ही नहीं सकता। भेस बदल के साधारण बनके हम लोग गांव के हाट मेले में गए, और पता है हमने वहां पे एक राजकुमार देखा। इतना विनम्र, सीधा साधा राजकुमार हमने कभी नहीं देखा। लक्ष्मी, सुनिए वो।
क्षमा कीजिएगा। जाने में इसके लिए आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये तो अच्छा ही हो, ये इस बहाने हमारे पाँव तो धुल गए। क्या आप हमें इस महल के मुख्य प्रवेश द्वार का मार्ग बताने का कष्ट करेंगी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। और माथे पर केसों की बलखाती हुई लट जरूर। और चेहरे की बाई ओर झूल दिखती। नहीं नहीं दोनों तस्वीर तैयार है। आपको याद है ना कि हमने तस्वीर शुरू करने से पहले क्या कहा था? हाँ हुजूर, आपने कहा था मेरी बनाई हुई तस्वीर आपके ख्यालों की तस्वीर से कमतल रहेगी तो आप मेरी गर्दन उड़ा देंगे। और ये जानने के बावजूद आप हमें अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखाना चाहते हैं? हुजूर, अपने काम से इतना इत्मीनान आज से पहले कभी नहीं हुआ। होशियार, अपने और अपने फन पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना भी खतरनाक हो सकता है। बाकी है पर फिर भी कैसी लग रही है रे? अद्भुत, बहुत सुंदर राजकुमारी जी, है ना? अच्छा सुनिए, ये सब जो आपने कहा ना, ये आपको अजब देख के सामने बोलना है। उन्हें तो लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। और देखिए, हमारी कला आपके सामने है, बोलेंगी ना उनके सामने? जी राजकुमारी। उफ, कला तो मैं काम करने के बाद कितनी थकान हो जाती है ना, पेट मन आत्मा सब कुछ खाली हो जाता है। अब आप खड़े खड़े क्या देख रही हैं? जाइए और हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए। जाइए जाइए जल्दी। अरे रुको।
मित्रों को, हमारे खाने पीने के लिए कुछ लाने को आप सबको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाइए। अरे आपको बैठने किसने कहा? सुनिए, आप जाके हमारे लिए गुलाब जल लेके आइए। वो क्या है ना, हमारी आंखें बहुत थक गई है, थोड़ा सा गुलाब जल छिड़केंगे ना तो आराम मिलेगा। जी राजकुमारी जी। क्या बात है, काम करने का और शर्म से चूर चूर होने का तो अभ्यास ही नहीं किसी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खुश हुए, हम इसी वक्त आपको जागीर, पांच गांव, 5,000 अशर्फ, 5 हाथी और 5 अरबी घोड़े इनाम फरमाते। हुक्म की तामील हो। अब एक बात और ध्यान रखना कि आज के बाद आप कभी कोई तस्वीर नहीं बनाएंगे, और अगर हमारे हुक्म के बावजूद भी आपने कोई तस्वीर बनाने की गुस्ताखी की तो आपकी आने वाली 7 नस्लें कलम तो क्या कोई भी चीज उठाने के लायक नहीं रहेगी। जी जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, फनकारों का दिल कब उनके काबू में रह पाता है? हम एक काम करते हैं, आपका जीना थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अगर जिन हाथों से आपने ये तस्वीर बनाई है वो हाथ ही ना रहे तो कैसे बनाएंगे आप कोई तस्वीर? ले जाओ और काट दो इनके दोनों। ले जाओ, ले जाओ। रहम जहां पना रहम, रहम रहम जहां पना रहम, रहम ये ले लाई, रहम 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 रहम। वाह जलाल वाह, इंसाफ का ये जो नायाब तरीका इख्तियार किया है आपने वो तारीख में दर्ज किए जाने लायक है। इनके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है हमने। अच्छा तो कौन है ये बड़ी अम्मी? पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आज रात खाना आप हमारे साथ खाएंगे, ना कि अपने तलवार और भालों के मश्क का। बड़ी अम्मी अगर आप कहें तो हम आज क्या पूरे महीने तक ना शमशीर को, ना तीर कमान को, ना भाले को हाथ लगाएंगे। पर बराए मेहरबानी हमें ये बता दीजिए कि ये कौन है और आप क्या जानती है इनके बारे में? होशियार जामना, होशियार। इनसे एक मुलाकात ने हमारे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद के गुरूर को उनके घुटनों के बल ला दिया। बड़ी अम्मी आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। ये तेवर है हमारे जलाल के। तो जलाल, ये मारवाड़ के राजा मालदेव की पोती है। इतना तो हम भी जानते हैं, पर इसके अलावा आप क्या जानती है वो हमें बताइए। नाम है फूल कवर। पीला वाला रंग दो। अरे दो ना जल्दी। ओ प्लीज। रंगोली बताओ, ये रंगोली कहाँ है? लग रहा है जैसे बहुत सारे रंग गलती से गिर गए। अरे ये क्या देखा गुस्सा है? ये
ये चूड़िया जो आपने अपने हाथों में लेकर रखी ये हमारी है। नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए, और एक बार हम भी जो मन में ठान लेते हैं वही करते हैं। ये बहुत लाड़ प्यार से पली है, ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से जिद्दी और बेखौफ हो चुकी है। वाह, फिर तो ये हमारे ही हम मिजाज निकली। इस वक्त वो बिजोलिया में अपनी सहेली के छोटे भाई के नाम रखने वाले जश्न में शरीक होने आई। बिजोलिया, अभी हाल ही जो जंग हुई थी हमारी, उनके साथ वही बिजोलिया, उनके तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। मगर हमारे लिए एक और खतरनाक बात है, वहाँ एक शख्स की मौजूदगी। कौन है वो शख्स? मेवाड़ के कुंवर प्रताप। इस वक्त फूल कंवर, कुंवर प्रताप दोनों ही बिजोलिया में एक ही महल में एक ही छत के नीचे मौजूद। जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। क्यों व्यर्थ में सैनिकों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हैं आप? मुठ समझ के रखा है क्या आपने हमें? उस दिन जिस प्रकार चूड़ियों की दुकान पे आपने हमारे हाथों से चूड़ियां छीनी थी ना, आपको लगता है उसके बाद हमारे मन में आपके लिए कोई भी संदेह बचा होगा? हम जानते हैं चोर है आप, चोर, और इस महल में भी चोर की भांति घुसे। उस दिन चूड़ियों की दुकान पे तो चूड़ियां चुरा ली थी, आप पता नहीं यहाँ भी क्या चुराने आए हैं। बस जानती नहीं है कौन है हम? वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप नहीं जानती कि हम कौन हैं। ना तो हम आपका पीछा कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर कुछ लेने आए हैं। हम तो बस सैनिकों, सैनिकों। क्या हो रहा है तुम्हारी जी? देखो, ये जबरन हमारे महल में घुसा है, असभ्यता से बात कर रहे हैं हमारे साथ, अपमान कर रहे हैं हमारा, पकड़ लो इन्हें। एक पग आगे, आगे मत बढ़ना। बस डर गए ना, हो गई ना भूलती बंद। देखिए, आप लोग हमसे उलझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और वो भी अकारण। अच्छा, जबरन महल में आप घुसे हैं और आप ही को पकड़कर हम भूल कर रहे हैं? पकड़ो ने। रुको, फिर बाद में बोलना मत कि हमने आपको चेताया नहीं था। देखिए, आप बिल्कुल ही मत डरिए, ये हमारा क्षेत्र है, ये तो बाहर वाला है, पकड़िए इन्हें आप। हमारी बात ध्यान से सुनेंगी? रुको, वहीं रुक जाओ, एक पग भी आगे नहीं है। अब आपके साथ न्याय तो बिजोलिया के राव जी ही करेंगे। आप इन सैनिकों को डरा सकते हैं, किंतु हमें हमें नहीं डरा सकते हैं आप। एक बार जो हमने यहाँ से दौड़ना आरंभ किया ना, तो राव जी के दरबार पर ही जाके रुकेंगे हम। हम किधर रुक जाए? आप ये क्या कर रही है? हमारी बात ध्यान से सुनिए। जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है, हमारी बात सुनिए। नहीं, हमने कहा सुनिए, हमारी बात सुनिए। रुक जाए। आप ये क्या कर रही है? हमारी बात ध्यान से सुनिए। जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है, हमारी बात सुनिए। नहीं, हमने कहा सुनिए, हमारी बात सुनिए। मूर्ख लड़की है। शहंशाह, ऐसा लगता है जैसे आपके और फूल कंवर के बीच प्रताप पहले से ही आकर रुकावट बन के खड़ा हो गया है।
अब प्रताप और फूल कवर तो युवा राजपूत हैं दोनों। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चाहने भी लगे। बस, बस, बस। आप हद से आगे बढ़ रही हैं बढ़िया भाई। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों की रुकावटों को कुचलना हमें भी आता है। हमें पहले हमें ये बताइए कि यहाँ चल क्या रहा है। जलाल, ये क्या नया फितर पाल रहे हैं आप? ये एक राजपूत शहजादी है और हम मुगल। आप ये बात अच्छी तरह समझ जाइए। चाहे आप जो भी कर ले, ये आपकी शरीके हयात नहीं बन सकती। और फिर सही वक्त आने दीजिए, आपके लिए भी एक मुनासिब लड़की देखकर आपका निकाह भी पढ़वा लेंगे हम। नहीं आली जान, निकाह तो अब हमारा इन्हीं के साथ पड़ा जाए, चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए, होना तो अब यही है। फूल, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कर क्या रहे हैं आप? अच्छा, भी समय निकलता जा रहा है। वो दुष्ट हमारा पीछा करते करते महल में भी आ गया। हमें तुरंत जाके राहुल जी को सूचना देनी होगी इस बारे में। हम जा। फूल, कौन सा दुष्ट? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? वही मेरे वाला दुष्ट, वो यहाँ पर भी आ गया। फूल, फूल रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? भगवान जाने क्या हो गया इन्हें, पता नहीं इन्हें राज दरबार का मार्ग याद भी या नहीं। फूल, फूल रुकिए। एक लिंची कहाँ फंस गया? आए थे सम्मानित अतिथि बनने और छिपते फिर रहे चोरों की भांति, और ये सब हो रहा है उस मूर्ख लड़की के कारण। ए, कौन है वहाँ? कौन है? हम तो राव मामले जी का दरबार कष्ट ढूंढ रहे। तो ऐसा बोलो ना, यहाँ पीछे छुप क्यों रहे हो? पर वो अच्छा बताइए, कहाँ है दरबार कक्ष? यूं सीधे चले जाओ और उद्यान से दाईं ओर। धन्यवाद। अरे कहीं ये वही दुष्ट तो नहीं है जो महल में घुस आया है? चलो पीछा करो इसका, पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो। यहाँ पे भी नहीं है फूल, दरबार के लिए निकली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पकड़ो इसे। आप भूल रहे हैं जलाल, आप एक बादशाह हैं, शहंशाह हिंद हैं। जज्बात की रो में बहकर लिया गया आपका एक गलत फैसला आपकी सल्तनत को राजपूतों के साथ एक लंबी कभी ना खत्म होने वाली जंग की आग में झोंक सकता है। अपनी ख्वातीन के आबरू और इज्जत के लिए कभी भी जान देने के लिए आमादा रहते हैं राजपूत। और महामंगा, आप सब कुछ जानते हुए भी आप जलाल की जिद को बढ़ावा दे रही हैं? जलाल तो अभी बच्चे हैं। क्योंकि शहंशाह के दिल में राजपूती शहजादे के लिए जो जज्बात हैं, उन्हें मुगलिया सल्तनत को राजपुताने में फैलाने के लिए सुनहरी मौका में तब्दील किया जा सकता है। हम कुछ समझे नहीं बड़ी अम्मी। मारवाड़ राजपुताने की सबसे मजबूत रियासत है, और अगर शहंशाह यहाँ के शहजादे के साथ निकाह पढ़ लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से मारवाड़ को बिना एक भी कतरा खून बहाए मुगल सल्तनत के नीचे लाया जा सकता है। बहुत खूब बड़ी अम्मी, बहुत खूब, क्या बात कही है आपने। और इसीलिए जब भी हम परेशानी में मुब्तिला होते हैं, आपकी इन तजवीजों पर गौर फरमाते हैं, और हमें अक्सर आपके इन मशवरों से सही रास्ता मिल जाता है, और इसीलिए हम आपके इन मशवरों को आगे के लिए मुगल सल्तनत का एक अहम उसूल बना लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मशवरा है। राजपूतों से बेवजह लंबी चौड़ी जंग लड़ने के बजाय उनकी शहजादियों के साथ निकाह पढ़ के नए दोस्ताना और सियासी रिश्ते कायम कर लिए जाए,
वाह, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जलाल, मानो इतनी आसानी से राजपूत अपनी बेटियों को दे देकर मुगल सल्तनत को फैलने देंगे। अपनी इज्जत और उसूलों पर मर मिटने वाली कौम है वे हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी रुकावटें आए, पर बाद में ऐसा नहीं होगा। कोई भी मुगल सल्तनत की ताकत से टकराना नहीं चाहेगा अलीजा। टकराना नहीं चाहेगा शहंशाह, मगर प्रताप लड़ना चाहेगा। और इसके लिए भी हमने एक रास्ता चुन लिया। हम इसी वक्त बिजोलिया जाएंगे और वहां एक तीर से दो दो शिकार करेंगे। फूल कवर से भी मिल लेंगे और अचानक प्रताप को घेर के खत्म कर देंगे। आपको अपने इस फैसले पर गौर करना चाहिए जलाल। हमीदा बेगम, आप आराम क्यों नहीं फरमाती? थक गई होंगी आप। पर जलाल, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कनीज, हमीदा बेगम को बाद अब इनके आराम गाह में ले जाइए और इनके हुजूर में शरबत पेश कीजिए। हम यहां से जा रहे हैं महामंगा। बादशाह, आपको बिजौलिया जाने की जरूरत क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रताप से उसी की जमीन पे मुकाबला मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो सकता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल जितना कि आप सोच रहे हैं। और प्रताप से आमने सामने मुकाबला करने से बेहतर होगा कि मैं एक और तजवीज आपके सामने रखूं। हम एक ऐसी औरत को जानते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खतरनाक है और पेशेवर कातिल भी है। उसने ऐसे और इससे भी कई बड़े काम किए हैं मुगल सल्तनत के लिए। हम उसे प्रताप के पास भेज देते हैं, जैसे ही वो प्रताप को खत्म कर देंगी, आपके और फूल कंवर के बीच का रास्ता साफ हो जाएगा और आप उसे निकाह कर लीजिएगा। नहीं बढ़िया, बढ़िया प्रताप को खत्म करने तो हम खुद ही जाएंगे, क्योंकि अब ये हमारा निजी मामला है। एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही आपको कुंवर प्रताप का दल दिखाई देता है, उन पर फूलों की वर्षा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बिजोलिया में उनका ऐसा स्वागत हो जैसा आज तक किसी का ना हुआ हो। क्या कर रहे हैं आप लोग? संपूर्ण राजमहल इनके स्वागत की तैयारियां कर रहा है और आप लोग ऐसे स्वागत करते हैं एक राजकीय अतिथि का? खमा गणे राव जी। राव जी, इन लोगों की कोई भूल नहीं है, वो तो हमें आप लोगों को अचंभे में डालना चाहते थे, इसीलिए हो गया ये सब। आप लोग जाइए। महाराज की जय। हम तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा कीजिए राव जी, हम पहुंच तो समय से ही गए थे, बस महल में भटक गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि इस लड़की ने हमें यहाँ का मार्ग बता दिया, पर फिर भी थोड़ा समय लग ही गया। किसी काम की नहीं है आप, इतना भी नहीं जानती एक राजकीय अतिथि को दरबार में कैसे लाया जाता है?
ऐसे दिखाते हैं मार्ग अतिथि को? जी, इन पे मत क्रोधित होइए। इनकी क्या भूल है? ये तो बेचारी ग्वाला है, इन्होंने तो सहायता की है हमारी। क्षमा करे, क्या हमारे मुंह से कुछ अनुचित तो नहीं निकल गया? भूल आपकी नहीं है, इनके रहन सहन की है। अक्सर लोग भूल कर बैठते हैं, कोई इन्हें ग्वाला समझ बैठता है, कोई दासी। भूल कर देते हैं, ये हमारी पुत्री है, पुत्री है। अजब दे, अजब दे। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, हम सचमुच क्षमा चाहते हैं। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? क्षमा तो ये मांगेगी, मांगे क्षमा, क्षमा मांगिए, मांगिए। नहीं नहीं राव जी, देखिए देखिए, ये होते हैं राजसी संस्कार। आप जानती भी हैं ये कौन है? चोर, चोर है ये, चोर। ये दुष्ट हमारा पीछा करते करते महल तक भी आ गया। राव जी, हम तो कहते हैं इन्हें तुरंत कारावास में डाल दीजिए आप। ये हमारी पूरे महल के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए संकट है। ये ना केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि संपूर्ण राजपूताने के। बिल्कुल ठीक कहा आपने, समूचे राजपूताने के लिए संकट है। खतरा तो इनसे सिर्फ मुगलों को है, हमारे तो रक्षक हैं। आशीर्वाद दीजिए समासी जी। जीते रहे। आपको यहाँ पर जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, जहां बना सुल्तान सिंह को आपके हुक्म की इत्तला कर दी गई है, वो आपके साथ बिजुलिया जाने की तैयारी कर रहा है। सुल्तान सिंह क्यों शहंशाह? क्योंकि वो बिजुलिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उसने बिजुलिया को बहुत करीब से देखा और वो हमारा काम और भी आसान बना सकता है, इसीलिए वो हमारे साथ चलेगा। बाईसा, हुलकवर बाईसा, उठिए। विचित्र बात है, हमने आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा जो किसी का नाम सुनते ही भयभीत होकर अचेत हो जाए। आपका नाम सुनके तो बड़े बड़े योद्धा डर जाते हैं, ये तो हमारी फूल सी बच्ची। हमें तो नहीं लगता। आप बार बार प्रवेश द्वार की ओर क्यों देख रही हैं? जी, और आप हमसे कहती हैं कि हम प्रेम से अपनी बेटी के साथ वार्तालाप करें। अच्छा ते चाहिए, कुंवर प्रताप को उनका कक्ष दिखाइए। इतनी लंबी यात्रा से आए, थक गए होंगे। आशा करते हैं कि एक लिंग जी की कृपा से ये शीघ्र ही ठीक हो जाए।
और? नहीं, उस और। हम तो क्या हम जान सकते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर उठा के हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? थाली उठा के दादा के अतिथि राव ममरक जी के जी। फिर तो स्वागत है आपका बिजोलिया में। पधारिए, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, यहाँ हम आपके मार्ग में नहीं आएंगे सर उठा के। चलिए। हाय हाय, थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना, हमारे शहंशाह को इंतजार करना जरा भी पसंद नहीं है। तो जान ही ले लो मेरी, इंतजार इंतजार इंतजार। आपके शहंशाह ने हमें कितना इंतजार करवाया है कि थोड़ा इंतजार अब शहंशाह नहीं करेंगे? अब क्या गला दबाएगी मेरा मुई? काजल लगा। काजल हम आंखों में नहीं यहाँ लगाएंगे ताकि किसी की नजर ना लगे हमें। हट पीछे, हमें सुल्तान से मिलना है, हट रास्ता छोड़। शहंशाह का हुक्म है कि सुल्तान सिंह को किसी औरत या मर्द से ना मिलने दिया जाए। अरे तू रास्ता छोड़। आने दे रही उसे, वैसे भी प्रताप ने उसे मर्द रहने कहाँ दिया है। सुल्तान सिंह बाहर आओ। लाहौल वला कुव्वत। जिस सहजता से आपने हमारे और जालन सिंह के बीच के संभावित संघर्ष को टाला है, सचमुच प्रशंसनीय है। आप हमारे अतिथि हैं और आपके साथ पहले से ही बहुत असुविधाएं हो चुकी हैं। अब चारण सिंह के कारण कोई नई असुविधा आ जाती तो हम क्या उत्तर देते अपने दाता को? वैसे कुछ समय पहले आप उस कक्ष में इस चारण सिंह की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? क्योंकि हम जानते थे कि चारण सिंह की फूल की भी होशी करने दान आने वाले हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। फूल की बेहोशी का निदान जालम सिंह के पास? फूल के बड़े दाता राव मालदेव जी फूल के लिए हर दिन कोई नया उपहार भिजवाते हैं। मारवाड़ से? तो फिर उपहार और फूल कवर और जालम सिंह, इन तीनों में क्या संबंध हुआ? फूल कवर भाई साहब, देखिए तो बड़े दाता ने आपके लिए कितना सुंदर उपहार भेजा है। मान ही नहीं सकते आप कह रही है कि आपकी सहेली जो जितनी ही बेहोशी में क्यों ना उपहार का नाम सुनते ही होश में आ जाती है, असंभव। हम्मा गणी बाईसा, फूल कवर बाईसा को होश आ गया है। ठीक है।
अरे वाह, आपकी बात तो सच निकली। क्षमा करें, मैं इतना नहीं हंसना चाहिए था। आपके मित्र है ना वो, तो वैसे आपको कैसे पता था कि जैसे ही जालम सिंह फूल कवर के लिए उपहार ले आएंगे उन्हें होश आ जाएगा? पता नहीं, बस हमें पता चल जाता है। बेरहम खान, बता क्या रहम करूं तुझ पर। अरे तुम लोग सब इसको देख के डरना मत, हाँ ये तुम लोगों से बिल्कुल उल्टा है। तुम लोग सब बाहर से नरम और अंदर से सख्त हो ना, ये बाहर से सख्त और अंदर से। सुल्तान सिंह अपनी जबान पे लगाम दो। हमने सुना है कि तुम बिजौलिया जा रहे हो शहंशाह के साथ प्रताप को मारने। जान ही ले लो मेरी, जान की बेहद खुशी होगी बैरम खान कि आज भी वफादार चूहे हैं तुम्हारे इस महल में। सुनो सुनो, बात सुनो हमारी, हम चाहते हैं कि तुम जलाल को मना कर दो, उनसे कह दो कि तुम नहीं जा सकते उनके साथ। तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम बैरम खान? तुम कौन हो ये हम बताएंगे या हम बताएंगे? तुम एक भगोड़े, एक ऐसा भगोड़ा जो अपनी दुम दबाकर युद्ध छोड़कर भागा था। एक ऐसा भगोड़ा जिसका चेहरा शहंशाह देखना तक ना चाहता। अब तुम हम पर होकर चलाओगे। खामोश खामोश। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शहंशाह की फिक्र करना छोड़ दें। खान बाबा हैं हम उनके, और हम नहीं चाहते कि वो इस तरह बिजोलिया के महलों में जाएं और अपनी जान के लिए खतरा मोल लें। तुम भी तो गए थे ना वहां अपनी सेना के साथ, क्या कर लिया तुमने? इस वक्त वो प्रताप भी होगा वहां, कैसे निकल पाएंगे जलाल महफूज? नहीं नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि तुम उनको मना कर दो, कह दो उनसे कि तुम नहीं जा सकते, बस। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अधिक वक्त बर्बाद कर लिया है हमने आपके लिए, इससे अधिक आपकी औकात नहीं है कि हम आपके लिए वक्त बर्बाद करें। अधिक वक्त बर्बाद कर लिया है हमने आपके लिए, इससे अधिक आपकी औकात नहीं है कि हम आपके लिए वक्त बर्बाद करें। इस गलत फहमी में मत रहना कि इन बाजुओं में तुझे मारने की ताकत नहीं रही। क्या लगता है तुम्हें बैरम खान, हम इन लोगों के साथ इतने मार रहे हैं तो हम निहत्थे हो गए? हमारी छोड़ो, इन लोगों की और गौर से देखो, तुम्हारी सहस्त्र सेना से भी अधिक बल है इन लोगों का। लोग अपनी जात पे आ गए ना, तुम अपनी जात भूल जाओगे। अब तुम्हें क्या करना है ये हम बताएं या आप? आप समझ गए जी? बावड़ो अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? हम स्वयं ठीक कर लेंगे अपना सामान। आपका कक्ष आपके योग्य तैयार नहीं हो पाया, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वो आप अचानक आ गए थे तो हमें समय ही नहीं मिला कक्ष को तैयार करने का। इसमें बुरा मानने या क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं, हमारे लिए ये सब ठीक है। एक बात कहना चाहते हैं हम आपसे, वो हम आपको पहचान नहीं पाए। मतलब हमारी रानी माँ ने हमसे कहा था कि हंसा मासी जी की पुत्री है, पर जब हमने आपको देखा तो आपको लगा
हम एक दासी हैं, यही कहना चाहते हैं ना? इसमें कोई लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे हाव भाव है ही ऐसे। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछे, दरबार में आपकी सहेली ने हमसे इतना कुछ कहा पर फिर भी उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर आपको इतनी डांट? फूल हमारे बहुत निकट है, फिर भी वो यहाँ तो एक अतिथि ही है ना, हमारा क्या है, हम तो यहीं के हैं, इसीलिए हमारे दादा हम पर अधिक अधिकार अनुभव करते हैं। पता नहीं क्यों आपको देखकर हमें अपनी रानी माँ की याद आ जाती है, उनको भी सदा औरों से अधिक सहना पड़ा है, परंतु उन्होंने कभी अपनी असंतुष्टता प्रकट नहीं की किसी से, जो भी था उसे सहज भाव से मान लिया। वैसे हमारा ये अपनी रानी माँ के बारे में बात करना अजब लग रहा होगा ना आपको? यहाँ पर जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कुंवर पिता। जब्दे को लेने आए हम आपको लेने आए, चलिए। पर फूल अभी तो हमें बहुत सारे काम है और हमें पूरे कक्ष को भी तो व्यवस्थित करना है। अच्छा जब्दे, यदि कुंवर प्रताप हैं तो आप भी बिजोले की राजकुमारी, और इन सब कार्यों के लिए ना आप इन्हें एक दासी दे दें, वो अपने आप ही कर लेगी ना, आप हमारे साथ चलें। ये मत सोचिएगा यदि आप कुंवर प्रताप हैं तो ये फूल कमल राठौर आपसे डर गए, हम किसी से भी नहीं डरते, और अगर हम चाहें ना तो अब भी आपके हाथों से इन चूड़ियों को छीनकर पहन सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारी सहेली के महल में अतिथि बनकर आए, इसीलिए छोड़ रहे हैं आपको। चलिए